कार्यरत T&M कर्मियों ने सैलरी नहीं मिलने के कारण शनिवार को हड़ताल कर दी। उन्होंने जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर हंगामा किया और T&M कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर समय से सैलरी नहीं देने का आरोप लगाया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर शनिवार को अस्पताल में कार्यरत T&M कंपनी के कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने T&M कंपनी पर समय से सैलरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर काम ठप कर दिया। इस बीच 9 से 11 बजे तक कामकाज ठप रहा। कर्मियों की हड़ताल से स्टाफ कर्मियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। राज्य कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संदीप बडोला T&M कंपनी कर्मियों के साथ आ गए। उन्होंने कर्मियों को आवाज उठाने से लेकर हर जगह साथ खड़े रहने का आश्वासन भी दिया। संदीप बडोला ने बताया कि जिला अस्पताल में T&M कंपनी के 1996 कर्मचारी कार्यरत हैं। उनकी 3 महीने से सैलरी नहीं आई है, इस कारण रोजमर्रा के खर्चे से लेकर अन्य कामों में परेशानी आ रही है। गुरुवार को राज्य सरकार से मामले की शिकायत कराने की बात कहने पर कंपनी ने 1 महीने की सैलरी दे दी है। इसके बाद संदीप बडोला की अध्यक्षता में नर्सिंग मेंस में एक बैठक हुई, जिसमें संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश का संगठन का नाम दिया गया। इसमें संरक्षक संदीप बडोला अध्यक्ष, ब्रजेश कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फ्लोरेंस मार्टिन जिला मंत्री, नरेंद्र सिंह उपाध्यक्ष, अल्फ्रेड संगठन मंत्री, हरिशंकर शर्मा प्रवक्ता सकलेन को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुरादाबाद जिला चिकित्सालय में T&M से प्रदत्त आउटसोर्सिंग के सैकड़ों कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। स्टाफ नर्सिस के पद पर, लैब टेक्नीशियन के पद पर, एक्सरे टेक्नीशियन, डाइटिशियन, फोर्थ क्लास रिकॉर्ड कीपर, रजिस्ट्रेशन क्लर्क, और विगत जून माह से इनको वेतन नहीं मिल रहा है। एक तो वेतन इन लोगों के बहुत कम है, समान कार्य समान योग्यता, और 1/4 वेतन पर इनसे काम लिया जा रहा है। स्टाफ नर्सेज 15,000 के वेतन पे काम कर रही है, और अल्प वेतन होने के बाद ईद का त्यौहार, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और जून माह से वेतन मिलना, कर्मचारी वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। मकान का किराया भी देना पड़ता है, बच्चों की फीस भी देनी पड़ती है, राशन वाले का बिल भी देना पड़ता है, दूध वाले का भी पैसा देना पड़ता है, सब्जी भी नकद पैसे से मिलती है। 3-3 माह से वेतन न मिलने के बाद किस तरह से वो कर्मचारी और उनके परिवार अपनी आजीविका चला रहे होंगे। कल मैंने इस संबंध में, मेरी जानकारी मिली तो इस संबंध में मैंने परियोजना निदेशक और अपर परियोजना निदेशक को पत्र भी लिखा और उनसे दूरभाष पर भी बात करी, और उन पर रोष भी व्यक्त किया इस बात पर कि अगर इन कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से इनके साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आंदोलन पर उतरेगी। तो उस पर ये हुआ कि जो 3 माह का वेतन था उसमें 1 माह का जून माह का वेतन कल रात आहरित किया गया है। तो हमारा आज जो कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, नियमित रूप से वेतन पाने के लिए सरकार की भी मंशा है कि जो काम करते हैं तो काम करने के बाद 30 दिन बाद उनको उनकी वेतन मिल जाना चाहिए, समय पर मिल जाना चाहिए। ये सिर्फ कंपनी की बदमाशी है, कंपनी की बदमाशी है। वो इसी तरह से 2-3 महीना पैसा रोक कर उसके ब्याज से अपना फायदा करती हैं। तो आज ये चताया गया है कि अगर जुलाई माह का वेतन इनका शीघ्र नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ से एक रैली निकालकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, और उसके बाद आज इन लोगों ने अपने एक संगठन का चुनाव भी किया है, उसमें इन्होंने पदाधिकारी निर्वाचित किए। और आने वाले समय में मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि जो छोटे कर्मचारी हैं, जो कम वेतन वाले कर्मचारी हैं, उनको समय से वेतन दिलाया जाना ये हमारी प्राथमिकता होगी। हम चाहेंगे कि उनको समय से वेतन मिले। काम वो परमानेंट कर्मचारियों के समान ही कर रहे हैं, उनकी योग्यता भी परमानेंट कर्मचारी के समान है, कार्य भी उनके समान कर रहे हैं, और 1/4 वेतन और उसके बाद भी वो समय पर नहीं मिले तो निश्चित रूप से पीड़ा का विषय है। तो मैं तो यही अपील करूँगा सरकार से, कर्मचारियों का वेतन और सर्वप्रथम संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का वेतन समय पर दिया जाए, उनका शोषण जो कंपनियां कर रही हैं उस शोषण पर रोक लगाई जाए, और अन्यथा इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो राज्य कर्मचारी संघ परिषद आंदोलन में मजबूर होना पड़ेगा।